विकास जी, रीजनल मार्केट में तमाम अच्छे प्लेयर्स हैं, तमाम बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी भी उनको फिल्टर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अभी भी हम देखते हैं प्रॉपर्टी पोर्टल पर तमाम ऐसे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जो या तो ठप पड़े हैं या उनमें किसी ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। क्यों कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन पा रहा है जिसपे हम प्रोजेक्ट की सही स्थिति देख पाए? दीपक, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो विकास जी ने कहा है, हर रीजनल मार्केट में कुछ अच्छे प्लेयर हैं। प्रॉब्लम यह है कि जिनके स्टैंड अलोन एक दो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में नहीं लेते हैं। हमारे लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में लेने के लिए मिनिमम 5 मिलियन स्क्वायर फीट का डिलीवरी जरूरी होता है। तो अगर आप एक या दो प्रोजेक्ट बनाकर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियस है आप किसी ब्रांड रेटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप टॉप प्लेयर नहीं होंगे, आप एक स्टैंड अलोन बुटीक प्लेयर हो सकते हैं। बट अगर आप वॉल्यूम गेम में हैं, और रीजनल मार्केट में जब मैं वॉल्यूम गेम प्लेयर को भी देखता हूं तो मुझे नॉर्थ ईस्ट साउथ जोन चारों जोन में देखने पर, फॉर एग्जाम्पल साउथ में टॉप 10 पिक करना बहुत आसान है क्योंकि वहां पर ब्रांडेड और रेप्यूटेड डेवलपर्स ज्यादा हैं। लेकिन आप ईस्ट इंडिया के लिए जाइए, आपको 4 या 5 के बाद नाम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जी बोलिए विकास जी, आपसे सवाल था। मैं सहमत हूँ रवि जी आपकी बात से, लेकिन दीपक जी जो आपका क्वेश्चन था स्पेसिफिक कि कोई क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए, कोई बेंचमार्क मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए, बेंचमार्क ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमने देखा है सब इंडस्ट्रीज में इवॉल्व हुआ है, रियल एस्टेट में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या ये रेटिंग उतना ही सिंपल है जितना कि हम कंपेयर करते हैं कि जब हम जोमैटो पे फूड ऑर्डर करते हैं तो हम रेटिंग देखते हैं, या और प्लेटफॉर्म पे अपने कपड़े ऑर्डर करते हैं या और प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं तो रेटिंग देखते हैं? ये शायद उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, पहला तो रियल एस्टेट इट्सेल्फ इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट, दूसरा उसका लाइफ साइकिल काफी बड़ा है। आपने एक प्रोडक्ट खरीदा आज, उसका कंस्ट्रक्शन में लगेगा 3 साल, 3 साल के बाद प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। मान लीजिए वो प्रोडक्ट डिलीवर तो हो गया, बहुत टाइमली डिलीवर हो गया, लेकिन कस्टमर को 3 साल बाद पता चलेगा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा नहीं था। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस रेटिंग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन आई एम श्योर रवि जी इसमें काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल बेंचमार्क होना चाहिए जो कस्टमर को एक ट्रांसपेरेंसी दे सके। हम लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यही कोशिश करते हैं कि जितना इन्फॉर्मेशन है हम डेवलपर के बारे में ट्रांसपेरेंटली कस्टमर को बता पाए, जिससे कि वो अपना रिसर्च अच्छे से कर पाए और अपना डिसीजन जो उनके लाइफ टाइम का बिगेस्ट बाय है उसका डिसीजन अच्छे से ले पाए, तो ये बहुत जरूरी है। अभिषेक जी, ज्यादातर बड़े ब्रांड्स दक्षिण भारत में हैं, ऐसे में साउथ इंडिया का ऐसा क्या इकोसिस्टम है कि साउथ के डेवलपर्स ब्रांडेड डेवलपर्स में लीड कर रहे हैं? ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल और बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि सिर्फ साउथ में अच्छे और बड़े और ब्रांडेड डेवलपर्स हैं, वेस्ट में भी हैं और नॉर्थ में भी लोगों ने अच्छा काम किया है। लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि फोकस जो डिलीवरी पे होता है और क्वालिटी पे और जो प्रोडक्ट पे होता है डेवलपर्स का, वो डेवलपर लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहते हैं विद ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी में वापस बोल रहा हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कैपिटल आपको चाहिए, जो कि हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस के कैपिटल नहीं आता है, तो कस्टमर भी आपके पास नहीं आता है, कैपिटल भी आपके पास नहीं आता है, लैंड ओनर भी आपके पास नहीं आता है, और गवर्नमेंट के साथ भी आपको चैलेंजेस होंगे अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे। तो कमिंग बैक टू दैट, आई थिंक साउथ में ये एक स्ट्रॉन्ग फोकस जो डिलीवरी का है, प्रोडक्ट का है और ट्रांसपेरेंसी का है, वो रहा है, और उसकी वजह से मुझे लगता है ज्यादा विजिबिलिटी है। प्लस आई थिंक वॉल्यूम्स काफी हैं साउथ में, स्पेशली आईटी सेक्टर के चलते काफी वॉल्यूम्स हैं साउथ में मल्टीपल मार्केट्स में, और ये डेवलपर्स ऑब्वियसली काफी ग्रो कर रहे हैं बेसिस द वॉल्यूम्स दैट वे।